अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। इंग्लिश लिटरेचर का कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फाइजाज बिस्किट्स। आज हम अपना सेकंड पोम पढ़ेंगे। फर्स्ट पोम हमारी द रेनबो, सेकंड टॉपिक वर्ड्स टू नो। लेट्स स्टार्ट। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Written by Christiana Rossetti. ठीक है, इस फॉर्म में यह है कि बोट्स जो हैं जो चलती हैं वो रिवर में चलती हैं। रिवर जो है हम दरिया को कहते हैं, ठीक है। और शिप्स जो बहुत बड़ी सी कश्तियाँ जहाज़ होते हैं ना, उन्हें हम शिप्स कहते हैं। पानी का जहाज़ जो होता है उसे हम शिप्स कहते हैं। वो समंदर में चलते हैं, सीज में चलते हैं, ठीक है। एक सेल होता है हमारे पास SALE और एक हमारे पास सेल है SAIL। ये वाला जो सेल है उसे वो उसके मीनिंग्स हैं, समंदर में कोई चीज़ जो चलती है ना, जैसे जहाज़ रानी या कश्ती रानी जो होती है उसे हम ये सेल, उसके मीनिंग्स हैं ये वाला सेल, ठीक है, SAIL सेल, ठीक है। और एक सेल जो होती है SALE वो बेचना, ठीक है, वो सेल होती है, ठीक है। ये दो डिफरेंस है, साउंड सेम है पर डिफरेंट स्पेलिंग है, ठीक है। इसे हम चलने को कहते हैं, जो पानी में जो चलता है, फ्लोट करता है ना। जैसे कोई भी चीज़ अगर कश्ती पानी में चल रही है तो वो सेल कर रही है। अब इसी तरह आपके पास क्या है, कश्तियाँ जो हैं वो रिवर्स में चलती हैं, मतलब दरिया में चलती हैं। जैसे ये कश्ती है ना आपके पास पिक्चर में, छोटी सी कश्ती है, वो दरिया में चलती है। और शिप्स जो बड़ी बड़े पानी के जहाज़ होते हैं वो समंदर में चलते हैं। और क्लाउड्स भी, क्लाउड्स जो एक इधर से उधर स्काई पे ट्रैवल करते हैं ना, उसे भी हम सेल ही कहते हैं। जैसे इधर से उधर आसमान पे जा रहे हैं बादल, चल रहे हैं, जैसे जो चलते हैं बादल उन्हें भी हम सेल कहते हैं। कहते हैं बोट्स जो हैं वो रिवर्स में चलती हैं और पानी के जो जहाज़ होते हैं वो समंदर में चलते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है वो स्काई पे जो क्लाउड्स चलते हैं ना इधर से उधर, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ब्रिजेस पे जो रिवर्स बने होते हैं, जैसे आपके पास रिवर है पिक्चर में, ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसका जो ब्रिज का जो बो है, मतलब जो उसका कर्व्ड है, वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हेवन जैसा, बहुत खूबसूरत सा एक हमें नज़ारा होता है इस ब्रिज पे चढ़ने के बाद। और जब हम इस ब्रिज पे चढ़ते हैं तो हमें ओवरटॉप्स नज़र आते हैं ट्री के, मतलब जैसे हम आपको ऊंची जगह पे चढ़ते हो तो आपको ऊंचाई से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है ना, वैसे ही हम जब इस ब्रिज पे चढ़ते हैं तो हमें दरख्तों के ऊपर का हिस्सा नज़र आता है। और ये जो रिवर इस तरह बने हैं बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल आसमान और अर्थ के साथ मिल गया जाकर। देखें यहाँ पे जैसे पिक्चर में गिवन है आपके पास, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल रोड है एकदम, यहाँ पर ये रोड से स्काई बिल्कुल मिल गया, रिवर और स्काई बिल्कुल मिल गया। ये जो है बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत एक समा देता है हमें, बहुत खूबसूरत व्यू देता है, ठीक है। इसका कॉपी वर्क है, कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फाइजाज बिस्किट्स, ठीक है। राइटिंग वर्ड्स मीनिंग कॉपी वर्ड बता रही हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद आपके वर्ड्स सेंटेंसेस फाइजाज बिस्किट्स के और फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम अपना पोम का टाइटल पेज बनाएंगे द रेनबो और इसकी राइटिंग करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम जनरल नॉलेज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आर प्रॉफिट, आर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत से नबी भेजे, अलग अलग वक्तों में बहुत से नबी भेजे, और हमारे आखिरी नबी जो हैं वो
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और हम सब के आखिरी नबी, ठीक है। अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया कि अल्लाह पाक एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं और इस्लाम जो है वो हमारा मज़हब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में पैदा हुए और उनके फादर का नाम अब्दुल्ला और उनकी मदर का नाम बीबी आमिना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर मतलब उनके अबू का जो इंतकाल था वो उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था और उनकी मदर की डेथ जब हुई जब वो 6 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 6 साल के थे, ठीक है। और उनकी जो उनकी परवरिश की जो उनका जिन्होंने उनका ख्याल किया वो अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके दादा ने उनकी परवरिश की अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब ग्रैंडफादर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 8 ईयर्स ओल्ड थे जब उनके दादा का भी इंतकाल हो गया और फिर अबू तालिब जो उनके चाचा थे उन्होंने उनका ख्याल रखना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने उनकी परवरिश करना स्टार्ट की जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 8 साल के थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 ईयर्स ओल्ड में नबुवत मिली। हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम जो अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं और वो पैगाम लेकर आए कि उन्हें 40 साल की उम्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, ठीक है। और कुरान मजीद जो हमारी आखिरी किताब है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और कुरान जो है वो पूरा एक साथ ही नाजिल हुआ, मतलब कुछ आयतें कुछ सूरतें थोड़े थोड़े वक्फे से इस तरह से 23 ईयर्स में, मतलब 23 साल में पूरा कुरान जो है वो नाजिल हुआ है। ऐसे नहीं कि एकदम से पूरा कुरान आ गया, नहीं, पहले कुछ सूरतें फिर कुछ आयतें, इस तरह से पूरा कुरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ठीक है। कुरान जो है वो हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और कुरान जो है वो कभी भी उसका कोई भी एक अल्फाज भी चेंज नहीं होगा। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह पाक ने खुद ली है कि जब तक रहेगी दुनिया उस वक्त तक जो कुरान का एक एक हर्फ है, एक एक वर्ड है, वो बिल्कुल भी उसमें तब्दीली नहीं आएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है और हम सबका इस चीज़ पर बिलीव है कि अल्लाह पाक एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और कुरान जो है वो अल्लाह पाक की किताब है और जो अल्लाह पाक को फॉलो करता है, जो उनके सारे हुक्म को मानता है, उसे अल्लाह पाक रिवॉर्ड देता है, बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपनी आयतें सुनाते थे, जिनको अपनी आयतों के थ्रू समझाते थे, बताते थे, उनको हम सहाबा कहते हैं, सहाबीस कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है। कुरान की सारी सूरतें ना, वो सारी चीज़ें जो हुजूर सल्लम जिनको समझाते थे उन्हें हम सहाबीस कहते हैं। कुरान जो है वो अरबिक लैंग्वेज में नाजिल हुआ है। कुरान के 30 सेक्शंस हैं, ठीक है, 30 सिपारास, आप सबको पता है ना, उन्हें हम सिपारास कहते हैं। 30 सेक्शंस हैं कुरान के और कुरान डिवाइडेड इनटू 114 सूरास, 140 सूरा हैं कुरान में और कुरान जो है वो हमारी अल्लाह पाक की आखिरी किताब है और हम सबको कुरान और नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम इसका कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे और कुछ कुछ जो कुरान के जो कुछ कुछ चैप्टर मतलब कुछ कुछ सूरते हैं वो हम नमाज के बीच में भी पढ़ते हैं, जैसा आपको पढ़ता है ना, हम नमाज में सूरते पढ़ते हैं, तो वो सारी जो है वो सब कुरान की आयतें हैं, कुरान की सूरतें हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ टर्की पेज आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन डू वन पेज राइटिंग, Thank you.
क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप सबने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। That's it for today. Now see you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class 2. How are you? I hope you all are doing well. हमने अपना revision start कर दिया है। हम maths का copy work complete करेंगे। Tables complete करेंगे हम सबसे पहले 6 to 10। 6 ones are 6। 6 twos are 12। 6 threes are 18। 6 fours are 24, 6 fives are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60. Next page for 7 ka table of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21. 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42, 7 sevens are 48, 7 eights are 56, 7 nines are 63, 7 tens are 70. Then table of 8, 8 ones are 8, 8 twos are 16. 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, 8 tens are 80. Table of 9 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81, 9 tens are 90. Table of 10, last table. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 multiplied by 10 is equal to 100, 10 tens are 100. That's it for today. Now see you in the next class. Allah Hafiz.